Hi, this was Hema Sood and you were watching me on PnTV. Last year my brother gifted me a diamond ring. वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था और मैंने उसको पहले ही बोल के रखा था कि देना है तो कुछ अच्छा देना वरना मत देना। भाई बहन का रिश्ता इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशन क्योंकि मैं अपने भाई के साथ इतनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। मतलब जैसे मैं अंदर हूँ, मतलब कहीं ना कहीं आप पेरेंट्स के सामने और फ्रेंड्स के सामने हाइड करते हैं, चीज़ें नहीं बताते हैं, लेकिन यू नो सिबलिंग्स के साथ आप इतने ज़्यादा खुल के बात कर सकते हैं और सब कुछ शेयर कर सकते हैं। आई थिंक नहीं एक्चुअली बनवाता ही नहीं है कोई, सोचा है मैंने पर कोई बनवाता ही नहीं है। हाउ डू यू सेलिब्रेट रक्षा बंधन? रक्षा बंधन की एक्साइटमेंट मुझे हफ्तों पहले यू नो होने लग जाती है बिकॉज ये अकेला ऐसा एक लौता दिन है जब आप यू नो अपने भाई को पूरा का पूरा मतलब कंगाल कर सकते हो, उससे मैक्सिमम गिफ्ट्स ले सकते हो और वो मना नहीं कर सकता। तो रक्षाबंधन अपार्ट फ्रॉम दैट रक्षाबंधन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल डे फॉर मी। मतलब इट इज़ अ वेरी मतलब कनेक्शन फील होता है, मतलब वैसे भी होता है भाई के साथ, लेकिन दैट स्पेसिफिक डे यू फील सो कनेक्टेड एंड आपको बहुत ही अच्छा लगता है। उस दिन पे आप बहुत सारी तैयारियां करते हैं, आप अपनी पसंद की राखी लेके आते हैं, कभी कभी भाई को भी दिखा देते हैं तुझे कौन सी पसंद है, तू कौन सी पहनेगा पूरा दिन, तो वो बता दे वही खरीदूँगी मैं। सो ये बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है मुझे फेस्टिवल और मैं वेट करती हूँ रक्षाबंधन कब आएगा। What best gift you received on Raksha Bandhan? Last year my brother gifted me a diamond ring. वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था और मैंने उसको पहले ही बोल के रखा था कि देना है तो कुछ अच्छा देना वरना मत देना। सो या उसने बहुत ही ब्यूटीफुल सी रिंग गिफ्ट की थी जो मैं नहीं पहनती हूँ सेट पे, बिकॉज सेट पे यू हैव टू चेंज द ज्वेलरी एंड ऑल। तो वो बहुत ही स्पेशल था और बहुत ही मतलब it is special. Do you also tie Rakhi to your brother as a new trend? नहीं, I think रक्षा करने के लिए you don't have to do such things. वो मेरी रक्षा करता है, मैं उसकी रक्षा करती हूँ। I think यही सफिशेंट है आपको, you don't have to tie राखीज and all. But हाँ ये ट्रेंड है, मैंने भी देखा है, but हम नहीं करते हैं ये। मतलब मेरा भाई मुझे राखी नहीं बांधता है, मैं ही उसे राखी बांधती हूँ। How would you describe brother sister bond? I think ये दुनिया का सबसे खास, सबसे अनोखा रिश्ता है। भाई बहन का रिश्ता इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशन क्योंकि मैं अपने भाई के साथ इतनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। मतलब जैसे मैं अंदर हूँ, मतलब कहीं ना कहीं आप पेरेंट्स के सामने और फ्रेंड्स के सामने हाइड करते हैं, चीज़ें नहीं बताते हैं, लेकिन यू नो सिबलिंग्स के साथ आप इतने ज़्यादा खुल के बात कर सकते हैं और सब कुछ शेयर कर सकते हैं। आई थिंक दैट रिलेशन इज़ द मोस्ट प्रेशियस रिलेशन और वो बॉन्ड मैं अपने ब्रदर के साथ शेयर करती हूँ एंड वो भी करता है। सो इनफैक्ट मैं कहूँगी ही इज़ द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ मोर देन माई पेरेंट्स। हैव यू टाइड राखी टू एनीवन ऑन सेट? नहीं एक्चुअली बनवाता ही नहीं है कोई, सोचा है मैंने पर कोई बनवाता ही नहीं है। बेस्ट मेमोरी विद कजन ऑन रक्षाबंधन? आई थिंक सिबलिंग्स के साथ जितना टाइम अपने ब्रदर के साथ स्पेंड करती हूँ और सिस्टर के साथ भी, वो सारे ही बेस्ट होते हैं क्योंकि हम इतना फ़न करते हैं, इतनी मस्ती करते हैं, इतने प्रैंक्स करते हैं कि यू नो एवरी मोमेंट इज़ स्पेशल। और हम जब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, जैसे माय सिस्टर इज़ इन न्यूजीलैंड, माय ब्रदर इज़ इन चंडीगढ़, तो हम जब भी हम वैसे तो नहीं मिल पाते, लेकिन जब मिलते हैं हम इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ, तो सब कुछ ही मेमोरेबल होता है। और हम जब फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो पिछला याद करते हैं, हंसते हैं और यू नो वी कीप मेकिंग मेमोरीज। इज योर ब्रदर एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव अबाउट समथिंग रिलेटेड टू यू? ही इज़ प्रोटेक्टिव अबाउट एवरीथिंग बट मैं कहूँगी कि ही इज़ कंसर्न कि मेरा लाइफ पार्टनर कौन होने वाला है और वो क्या करता होगा, वो कैसे दिखता होगा। सो ही कीप आस्किंग मी एंड ऑल्सो ही इज़ लाइक ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट एवरीथिंग आई वुड से। हाँ, वो सब कुछ पूछता है मुझसे कि क्या करोगे आप, क्या करना चाहते हो और अब क्या। सो yeah, he keeps on bothering me. I loved it because इस थ्रू आउट दिस सेगमेंट मेरे भाई की शक्ल मेरी आंखों के सामने थी एंड यू नो मैं उन पुरानी सारी चीज़ों में वापस चली गई जब हमने बेस्ट मोमेंट्स साथ में गुजारे और हमने मेमोरीज क्रिएट करी, सो इट वाज फन.